अब यार जो पाप मैं करने जा रहा हूँ ना, इसके लिए मुझे पहले से ही माफ कर देना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर एवेंजर्स बॉलीवुड में बनती तो कौन सा एक्टर कौन सा करेक्टर प्ले करता। हालांकि यार ओरिजिनल एक्टर्स की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन यार बॉलीवुड से बकचोदी करने में मजा आता है। और वैसे भी इस टॉपिक के ऊपर मेरी एक शॉर्ट पे मिलियंस में व्यूज आए थे और मैंने सोचा क्यों ना एक लंबी वीडियो बना के और व्यूज खींचे जाएं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं कॉल मी सुपर का एक और सुपर एपिसोड। तो यार अंधों में काना राजा आई मीन निक फ्यूरी का करेक्टर नाना पाटेकर पे काफी ज्यादा सूट करता है। एंड फिर आता है थैनोस, जो कि यार अगर संजय दत्त प्ले करते तो पहले तो भाई वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करके एक डायलॉग जरूर बोलता, 50 तोले का हाथ है, एक चुटकी मारेगा सारे ब्रह्मांड का नशा मेरे घर पे पहुंच जाएगा। एंड वही फिर थैनोस को रोकने के लिए आएगा शाहरुख खान का आयरन मैन, जो कि भाई सबसे पहले आते कहेगा थैनोस ऐसा मत करो। एंड फिर हमें देखने को मिलेगा SRK का फेमस पोज। खैर आगे बढ़ते हुए वरुण धवन भगोड़े के अवतार में क्विक सिल्वर के अवतार में कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। और यार नेक्स्ट आती है वोंडा। अब भाई यहाँ पे मैं तुम्हें दो ऑप्शंस दूंगा, ए कटरीना कैफ एंड बी आलिया भट्ट। अब यार तुम मुझे बताओ कि वोंडा का करेक्टर किस पे ज्यादा अच्छा लगता है। और यार मैं तो ऑप्शन ए सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यार अपन बड़ा शरीफ लड़का है, ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ता। और वोंडा के बाद वीडियो के अंदर एंट्री मार रहे हैं ओडिन पुत्र थोर, जो कि ऋतिक रोशन पे कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है यार। और पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यार बंदे की पर्सनालिटी देखो। और यार अगर क्रिस हेम्सवर्थ की जगह ऋतिक रोशन इसे प्ले करता है तो काफी बढ़िया लगेगा। एंड फिर आता है विजन, जो कि यार अली जफर पे काफी बढ़िया लग रहा है। और वैसे भी यार जोन सा मर्जी कैरेक्टर इसे प्ले कर ले, कौन सा शक्ल दिखनी है, मुंह पे मेकअप की दीवार जो चढ़नी है। खैर नेक्स्ट आती है अपनी ब्लैक विडो, जो कि यार प्रियंका चोपड़ा को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर ये भी प्ले करेंगी तो काफी बढ़िया लगेगा। एंड फिर आता है अपना तीरंदाज होकर। भाई यहाँ पे मैं तुम्हें तीन ऑप्शन दूंगा, ए अक्षय कुमार, बी इमरान खान एंड सी शाहिद कपूर। अब भाई तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि किस पे ज्यादा सूट कर रहा है होकाई का करैक्टर। खैर इतनी देर तुम कमेंट्स में बताओ, मैं बढ़ता हूँ अगले करैक्टर पे। और वो आता है अपने हरिपाजी, जो कि यार आमिर खान पे ठीक लगता है। भाई ठीक ही लग रहा ना कि तुम्हें कहीं ज्यादा पसंद आ गया हो, कहीं कमेंट्स में गालियां लिख रहे हो नीचे मेरे को। खैर वीडियो में आगे बढ़े तो अपने ऋतिक रोशन साहब वीडियो में दोबारा एंट्री मारते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज बनके। भाई इस बंदे को जोन सा मर्जी करैक्टर दे दो, हर करैक्टर में फिट हो जाएगा ये। पर्सनैलिटी देखो यार तुम इसकी। अबे गार्डियंस पे भी इसी में बात करूं कि इसको नेक्स्ट वीडियो पे छोड़ दें? नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे यार। और भाई इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखना। और यार मैंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है सिनेमैटिक वे में, जानना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को चेकआउट करो। इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स लाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और अपने मित्र मंडल में जरूर शेयर करना। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।